अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं अपने किचन में बहुत ही इजी सी रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं, ये हमारे 6 अंडे हैं, हम अंडे की चटनी बनाएंगे एक अलग सी। ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। और हमारी इसमें ये जाने वाली है प्याज, ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसे हमने इस तरीके से स्लाइस में कट कर लिया है। हमारा तेल गर्म हो चुका है, हमारा हाई फ्लेम है, अब हम इसमें अपनी प्याज ऐड कर देंगे। ये बहुत ही जल्दी से बन जाती है और खाने में भी इतनी टेस्टी लगती है। दो मिनट के लिए हम अपनी प्याज को फ्राई करेंगे। तो देखिए हमारी प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है, बिल्कुल गुलाबी कलर हो चुका है जिस तरीके से हमें चाहिए। अब इसमें हम अपना 1/2 टीस्पून के करीब नमक ऐड कर देंगे। हमें इसी तरीके से अपनी प्याज चाहिए थी। ये हमारी होममेड चटनी है, ये हमने घर पर ही बनाई है। ये हमारी साबुत मिर्चों की चटनी है, इसके अंदर हमारी ये दाने वाली है, ये ही इसमें मेन है। ये हम डालेंगे 2 टेस्पून अपनी होममेड चटनी। अगर हमें चटनी अपनी कम लगेगी तो हम अपनी 1 टेस्पून के करीब और ऐड करेंगे इसमें। ये रेसिपी खाने में सबको भी मज़े की लगती है, आप जरूर से ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है ये। ये हमारे 6 अंडे हैं जिसे हमने फैट लिया है, अब अपने अंडे ऐड करेंगे इसमें। बहुत ही फटाफट से बनने वाली रेसिपी है ये, आप एक बार जरूर ट्राई करें, इसके अंदर कुछ नहीं जाता, एकदम सिंपल रेसिपी है, सिर्फ 2 ही चीज़ों से तैयार हो जाती है ये। आप इसे 2 मिनट के लिए ऐसे ही चलाते रहें ताकि हमारे अंडे मिक्स हो जाए अच्छे से चटनी में। और आप इस वक्त इसमें नमक चख सकते हैं, अगर आपको नमक या मिर्च कम लग रही है तो 1 टेस्पून के करीब चटनी और ऐड कर दीजिए। अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। बस 5 मिनट के अंदर ही हमारी चटनी भुजी बनके रेडी हो जाती है ये। देखिए फ्रेंड, हमने अपनी गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और हमारी भुजी बिल्कुल तैयार है, एकदम रेडी है। तो देखिए मेरी भुजी बनके बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।